वाराणसी के ज्ञान वापी स्थित पूरे विवादित स्थल की कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने संबंधी आवेदन पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सोमवार को आपत्ति दाखिल की है। इस मामले में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्रेष की अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 7 जुलाई तय कर दी है। बता दें इसके साथ ही ज्ञान वापी प्रकरण से जुड़े 7 मुकदमों की एक साथ सुनवाई किए जाने के मामले में भी 7 जुलाई की तिथि तय की है। इस मामले में शाम को आदेश आने के आसार है। देखिए अभी तो अदालत ने डेट दिया है और चूंकि आज फैसला आने की भी उम्मीद है, 5 बजे तक उन्होंने कहा है कि हम फैसला दे देंगे कि सभी केसों को एक साथ समन्वित करते हैं या नहीं करते हैं। अगर किसी वजह से आज के फैसले में ये समन्वित करते हैं हर केसेस को लेकर के, तो इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे, क्योंकि 5 वादनियों के व्यक्तिगत अधिकार के मुकदमे के साथ हिंदुओं, संपूर्ण हिंदुओं के अधिकार को शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हम लोग का एक मुकदमा चल रहा है विश्व वैदिक सनातन संघ का 712/22, जिसमें हमने संपूर्ण परिसर हिंदुओं को सौंपने की बात करी है, मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की बात करी है, पूजा पाठ की अनुमति मांगा है और इस्लामिक स्ट्रक्चर जो बना दिए गए हैं मंदिर को बदलने के लिए उनको तोड़ने की और मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की बात की गई है। अगर आज फाइल सबमिट नहीं होती है तो आगे का क्या? देखिए आज अगर एक साथ सम्मिलित नहीं होती है तो हमारा मुकदमा चलेगा, आगे उस पर हम लोग प्रोसीड करेंगे, काम करेंगे, और अगर एक साथ उसके बाद भी कोर्ट जोड़ने की बात करता है तो हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। पड़ी है कि देखिए ऐसा कंसोलिडेशन का फैसला आज आना संभव है, 5 बजे तक कंसोलिडेशन का फैसला आ जाए कि मामला कंसोलिडेट होंगे या नहीं होंगे। इसके साथ ही 8 के 8 फाइल में 7 जुलाई की डेट निश्चित की गई, क्योंकि 6 जुलाई को ASI सर्वे के चलते सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हियरिंग प्रपोज हो चुकी है, शेड्यूल हो चुकी है, तो 7 जुलाई को यहाँ पर ASI सर्वे के लिए रखा गया है। और कंसोलिडेशन के बाद क्लियर होगा कि जॉइंट ट्रायल होता है क्या होता है, अगर कंसोलिडेशन होता है आज अलाओ तो हम इसके अगेंस्ट हाईकोर्ट जाएंगे। क्या क्या था काम? देखिए मामला देखा जाए तो आज एक राखी सिंह की 110 भी थी, उसमें क्योंकि कोर्ट वैकेंट है तो उसमें भी डेट ही लगी है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जज साहब का कहना यह था कि ऑलरेडी ASI का ऑर्डर अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया गया है तो ऐसे में दूसरी एप्लीकेशन आज इनिशिएट करना ठीक नहीं है, इसलिए दोनों को साथ में लेकर चला जाएगा और 7 जुलाई की डेट इसके लिए नियत की गई है। देखिए 7 जुलाई को सारे मुकदमे, एक तो TA का मामला था जो क्लब करने का, सारे मुकदमों को क्लब करने का था, उस पर आज फैसला आना था, उस पर आज फैसला आएगा शाम तक, इस पर भी 7 जुलाई का डेट लगा हुआ है। दूसरा मामला ये था कि भाई ज्ञानवापी परिसर का ASI जांच करवाया जाए, ये मांग ये याचिका हम लोगों ने दाखिल किया था, उस पर मुस्लिम पक्ष को अपना रिटर्न ऑब्जेक्शन आज दाखिल करना था। मुस्लिम पक्ष ने अपने रिटर्न ऑब्जेक्शन आज दाखिल कर दिया है, उन्होंने इसका विरोध किया है, ASI जांच का उन्होंने विरोध किया है। इस पर भी सारी सुनवाई के लिए पुनः 7 जुलाई का जो है समय दिया हुआ है, माननीय न्यायालय ने दिया है, और 7 जुलाई को इन सारे मुकदमों पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी की डेट भी पड़ी है, कब पड़ी है? देखिए ज्ञानवापी की डेट नहीं पड़ी, ज्ञानवापी मुकदमे में अगली सुनवाई की डेट पड़ी है। अब अगली सुनवाई के लिए जो हम लोग पूरे परिसर के वैज्ञानिक विधि जाँच के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे, उस पर अंजुमन इंतजामिया द्वारा आपत्ति आ गई है। इस आपत्ति के निस्तारण में उनका कहना है कि पूरे कैंपस का जो ब्रैकेटिंग अंदर है उसकी वैज्ञानिक विधि से जांच न हो, खाली सील एरिया का जो आदेश हुआ है उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, 6 जुलाई को वहाँ डेट लगा हुआ है। किन किन बिंदुओं पर आप लोगों ने किया? मैं पहले बता दूँ, उसके लिए उनका सुनवाई के लिए 7 जुलाई यहाँ जिला जज क्या लग गया है, पूरी पत्रावली को जो क्लब करके एक साथ सुनवाई की बात है, जो टोटल 8 पत्रावली हैं ऑलरेडी चल रहे थे, 7 पत्रावली ट्रांसफर करके मंगाए गए हैं, जो कि उस दौरान कमीशन सीलिंग प्रकट होने के बाद मुकदमे दाखिल किए गए हैं, कुछ मुकदमे पहले से थे, तो उनमें 5 मुकदमों की सहमति दे दी गई है कि एक साथ सुनवाई कोई दिक्कत नहीं है। 2 मुकदमे हैं जिसमें एक स्वामी अभियुक्तानंद द्वारा दाखिल है, किरण सिंह द्वारा दाखिल है, इन पर आपत्ति हुई है कि नहीं नहीं क्लब न किया जाए, एक साथ सुनवाई न की जाए, क्योंकि एक साथ सुनवाई हो जाता है तो एक मुकदमे की गति पकड़ेगी, साक्ष्य सबूत एक ही देना है, वही शिवलिंग जो प्रकट हुए हैं वो साबित हो जाएंगे, और उसके बाद मंदिर साबित हो जाएंगे तो हिंदुओं सनातनियों का ही रहेगा। 5 बजे शाम को आज आदेश आ जाएगा
और आदेश बहुत महत्वपूर्ण आदेश रहेगा और हमारा उम्मीद ही नहीं विधिक सम्यक है कि आदेश मेरे पक्ष में आना चाहिए। इसके बाद भी हो